नमस्कार प्यारे बच्चों बच्चों, आज मैं आपके लिए एक चित्र कथा लेकर आई हूँ। चित्र कथा का मतलब होता है वो कहानी जिसे चित्र की सहायता से समझाने की कोशिश की जाती है। ये कहानी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 2 में दी गई है और इसका नाम है आम की कहानी। तो चलो कहानी सुनते हैं। एक बार एक लड़की थी, उसकी नज़र पेड़ पर लगे एक पके हुए आम पर पड़ी, लेकिन साथ में एक कौवा भी उस आम पर नज़र टिकाए बैठा था। लड़की ने सोचा, ये आम कितना स्वादिष्ट होगा, तो क्यों ना मैं अपने भाई को बुलाऊं और उसे कहूं कि तुम गुलेल की सहायता से इस आम को मेरे लिए तोड़ दो। लेकिन लड़का और लड़की की बातें पेड़ पर बैठा हुआ कौवा ध्यान से सुन रहा था। लड़की ने अपने भाई को बुलाया और उसे कहा कि तुम गुलेल की सहायता से इस आम को मेरे लिए तोड़ दो। लेकिन कौवे की नज़र उन दोनों पर थी। जैसे ही भाई ने गुलेल से आम को तोड़ने के लिए पत्थर मारा, कौवे ने झट से आम को अपनी चोंच में पकड़ लिया। ये देखकर दोनों ही भाई बहन बहुत उदास हो गए और कौवा बहुत मज़े से आम को अपनी चोंच में लेकर आगे बढ़ा। लेकिन ये क्या, वो कौवा तो मधुमक्खी के एक बहुत बड़े छत्ते से जाकर टकरा गया, जिसमें से ढेरों मधुमक्खियाँ निकली और उन्होंने कौवे को जोर जोर से डंक मारा, जिस वजह से कौवे की चोंच से छूटकर जो आम था वो कौवे के ही घोंसले में जा गिरा। और ये सारा तमाशा देख रही थी पेड़ पर बैठी हुई गिलहरियाँ। इनमें से एक गिलहरी फटाफट से उतरी और कौवे के घोंसले से उस आम को उठा लाई। लेकिन जल्दबाजी के कारण बच्चों क्या हुआ, जो कौवे के अंडे थे वो टूट गए और उसमें से कौवे के छोटे छोटे बच्चे काऊ काऊ की आवाज़ करने लगे। अब इस आवाज़ को सुनकर गिलहरी का दिमाग तो बहुत ख़राब हुआ और उसके मुंह से जो आम था वो गिर गया। अब वो आम सीधा गया धम। लेकिन ये आम जाके गिरा कहाँ? अरे ये आम तो पेड़ के नीचे बैठे एक आदमी की पगड़ी पर जा गिरा, जिसे देखकर भाई बहन बहुत खुश हो गए। क्यों? क्योंकि बहन को अपना मन चाहा आम मिल गया था और भाई खुश था कि मेरी गुलेल की सहायता से मैंने अपनी बहन की इच्छा को पूरा कर दिया। और जो कौवा था और उसके बच्चे थे वो घोंसले से उसे हैरानी से देखते रहे। तो बच्चों ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और कई बार अपने किसी दोस्त के लिए या अपने भाई बहन के लिए भी शायद तुम लोगों ने भी इतना ही होशियारी वाला कोई काम किया होगा। ठीक है, तो आगे की चर्चा इस पार्ट पर हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।